हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रुद्र में। दोस्तों, सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसी डिसीज़ जो अधिगम यानी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं उनसे संबंधित अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें गलत करके आ जाते हैं। आसान ट्रिक भी बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा भी, जिससे आपको यह दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको मेरे चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। पहले डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कलेक्लिया, अफेजिया, एलेक्सिया, अप्रेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया के बारे में जान लेते हैं, फिर एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद रहेगी। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, हाँ दोस्तों, एलेक्सिया डिसीज़ है जो स्टूडेंट्स को भाषा सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, यानी कि भाषा से संबंधित कठिनाई के लिए एलेक्सिया। ठीक है, भाषा उसे सब सीखने में यानी सीखने से संबंधित कठिनाई के लिए एलेक्सिया। ठीक है, फिर डिसलेक्सिया स्टूडेंट को भाषा पढ़ने के लिए कठिनाई होती है। एलेक्सिया भाषा के सीखने, आप इसे भाषा हटाकर सीखने से भी कह सकते हैं, एलेक्सिया सीखने के संबंध में क्षमता और डिसलेक्सिया पढ़ने। ठीक है, एलेक्सिया सीखने के संबंध में कठिनाई, डिसलेक्सिया पढ़ने के संबंध में कठिनाई। ठीक है, डिसग्राफिया भाषा लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये अधिगम सीखने की अक्षमता है जो बाहर बच्चों के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, डिसग्राफिया लिखने के संबंध में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक, डिसग्राफिया, एलेक्सिया सीखने, ठीक है, डिसएलेक्सिया पढ़ने के संबंध में कठिनाई होती है, डिसग्राफिया लिखने में। जबकि इन सबको अगर मिलाएंगे, ठीक है, डिसप्रेक्सिया, तो इसमें बोलने के संबंध में भी कठिनाई होती है, पढ़ने में भी कठिनाई होती है, लिखने में भी कठिनाई होती है। अगर ये तीनों कठिनाई आती हैं तो डिसप्रेक्सिया होगा। ठीक है, इन तीनों की कठिनाई को अगर हम मिलाएंगे, सीखने, पढ़ने, लिखने की, तो यह कठिनाई डिसप्रेक्सिया में आएंगी। ठीक है, ओके, डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलस आप जानते होंगे, सब्जेक्ट होगा गणित में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आपने गणित ली हुई, कैलकुलिया, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलस भी आप कह सकते हैं, कैलकुलस, ठीक है, उससे आप समझ जाइएगा, क्योंकि कैलकुलस से डिसकैलकुला, कैलकुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। डिसकैलकुलिया यानी गणित के सवालों को हल करने में कठिनाई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अफेजिया, डिसफेजिया, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। ठीक, ये पांचों हो गए। ठीक है, पिट्रिक भी बताऊंगा, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अग्राफिया, अप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया, डिसग्राफिया यानी कि लिखने की अक्षमता। ग्राफिया यानी आप ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अग्राफिया यानी ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, ये आप मान के चलिए, यानी कि आप लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ आप लिख कर ही बनाएंगे ना। ठीक है, इसको फिट कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, ये आप ग्राफ नहीं बना रहे हैं, ठीक है, यानी हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो लिखने की अक्षमता हो जाएगी वो। ठीक है, ये आसान सी बात है, इसे आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, कहीं भी पूछा जाएगा ग्राफिया, डिसग्राफिया, यानी कि ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, इस यानी कि लिखने की अक्षमता उत्पन्न हो रही है, ये चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, लेक्सिया, ला यानी लिसन, आप एलेक्सिया डिसलेक्सिया पठन की क्षमता को, एक कठिनाई को प्रदर्शित करता है। ठीक, भाषा संबंधित पठन।
ठीक है, यानी पढ़ने की अक्षमता को, ठीक है, रीडिंग, ठीक है, डिसकैलकुलिया यानी गणितीय अक्षमता, ठीक है। अब इसका टाइप देख लेते हैं, वर्बल डिसकैलकुलिया यानी कि मौखिक रूप से गणितीय अक्षमता, ठीक है। ग्राफिकल डिसकैलकुलिया यानी कि गणना या लिखने, गणित लिखने में या गणना करने में अक्षमता, ठीक है। लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो घबराइएगा ना। लेक्सिकल डिसकैलकुलिया यानी कि पढ़ने की अक्षमता, गणित पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। कुछ चीज़ें हो गई, ये पेपरों में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ट्रिक, क्या ट्रिक होगी। जी हाँ, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, ठीक है। अगर डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, अलेक्सिया, प्रेक्सिया, डिस्थीमिया, डिसमोरोफिया, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है पूरा सेंटेंस। अरे लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाई, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को आप याद कर लेते हैं तो आपको कुछ अलग से इनके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं, ठीक। ट्रिक क्या है इसका, पूरी तरीके से आप इसे कैसे हल करेंगे इस ट्रिक को, ठीक है, जिसे आप जान पाएंगे, ठीक है। पहला है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में ला, ठीक है, लो। डिसलेक्सिया में कौन सी चीज़ की कठिनाई होती है, पठन से संबंधित, भाषा के पठन से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, ठीक है। तो पापा का पा और ला, यानी डिसलेक्सिया का ला और पा, ठीक है, ला पा यानी कि डिसलेक्सिया पानी पठन से संबंधित, ठीक है। अगला देखते हैं डिसग्राफिया, डिसग्राफिया का गा, ठीक है, गल का गा यानी कि ग्राफिया, डिसग्राफिया, ठीक है, ओके, ठीक। अब डिसग्राफिया में मतलब कि लिखने की अक्षमता, ठीक है, लिखने की कठिनाई, तो गल में ही पूरा आपका है, डिसग्राफिया यानी कि गा, ला यानी लिखने की अक्षमता, ठीक है। डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो डिस में का, ठीक है, कर का गा यानी कि डिसकैलकुलिया, गए गए का गा यानी कि डिसकैलकुलिया का में गणित से संबंधित अक्षमताएँ, ठीक है, जो बालकों में उत्पन्न होती हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अफेजिया, ठीक है, अफेजिया यानी कि मौखिक रूप से भाषा सीखने की अक्षमता, ठीक है, अफेजिया भी कहते हैं, इसे डिसअफेजिया भी कहते हैं, ठीक है। फा, फिर का फा, फिर भाषा सीखने की अक्षमता होती है अफेजिया में, ठीक है, भाषा मौखिक रूप से भाषा सीखने की अक्षमता। एलेक्सिया, एलेक्सिया डिसलेक्सिया से संबंधित है, यानी कि आपसे एलेक्सिया और डिसलेक्सिया यानी पठन के संबंध में अक्षमता, ठीक है, तो आप डिसलेक्सिया एलेक्सिया एक दूसरे एक समान है, ठीक है, अगर आप इस तरह से कहें, ठीक है, डिसलेक्सिया एलेक्सिया दोनों पठन से संबंधित अक्षमता हैं, एलेक्सिया मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया लिखने की क्षमता, भाषा लिखने की क्षमता, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, डिसग्राफिया से, ठीक है। अगर एप्रेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, अग्राफिया आता है तो आप कह सकते हैं कि छात्र में अधिगम के द्वारा, अधिगम के माध्यम से, सीखने के माध्यम से लिखने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे एप्रेक्सिया, डिसग्राफिया, अग्राफिया, डिसप्रेक्सिया कहेंगे, ठीक है। डिसप्रेक्सिया आ जाए या फिर अप्रेक्सिया आ जाए, डिसग्राफिया आ जाए या फिर अग्राफिया आ जाए, यानी कि लिखने की अक्षमता,
ठीक है, आगे देखते हैं डिस्थीमिया। ठीक है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, बालकों में किसी भी विषय से संबंधित विषय को लेकर या फिर किसी कार्य को लेकर तनाव की स्थिति आ जाती है। ठीक है, डिसमोरफिया, डिसमोरफिया बच्चों में भ्रम की स्थिति, ठीक है, भ्रम की स्थिति आ जाती है। लेकिन एक तरह से मैंने जो बताए हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, अगर आप इनमें से देखेंगे, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यूपी टेट के पेपर में आया भी है कौन सा, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, इसमें से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि इनके शब्दों में ही आप छिपा हुआ है इनका आंसर। ठीक है, मैंने बताया, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी अगर कन्फ्यूजन लग रही है कि हाँ ये कुछ इस तरह से गलत हो गया है तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यूपी टेट से संबंधित प्रश्न आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।